सलाम, आज यहाँ पे हमारा आम आदमी पार्टी का ऑफिस खोला है। हमारे होनहार नेता ने, हमारे होने वाले नगर सेवक ने, असलम ने, असलम को यहाँ पे इस पूरी लोकेलिटी में सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक सिंपल नागरिक होते हुए भी इन्होंने बहुत लोगों के मसले सॉल्व किए हैं। ये हमेशा यहाँ पे सोशल वर्क करते आए हैं, लोगों को मुसीबतों में मदद करते आए हैं। अस्पताल में इलाज की बात हो, या पुलिस का मैटर हो, या सफाई का बीएमसी से रिलेटेड मैटर हो, असलम ने बढ़ चढ़ के लोगों का काम किया है। आज वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने हैं, बिकॉज वो सारी आम आदमी पार्टी की क्वालिटीज़ इनमें हैं। उनके ऑफिस में बहुत ही खूबसूरती से मैं देख रही हूँ शहीद भगत सिंह की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, शहीद अशरफुल्ला खान की, मौलाना की, सबकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। यही हमारी प्रेरणा स्रोत्र हैं, ये जो तस्वीरें हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स की। आज देश पे वही घड़ी वापस आ गई है कि हमें अपनी आज़ादी के लिए वापस लड़ना पड़ रहा है। पहले हम आज़ादी के लिए लड़े थे गोरों से, अब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं ऐसे इंसानों से जो अपने अलावा किसी के भी हाथ में सत्ता ताकत जाने नहीं दे सकते। वो लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों को धमका सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज दिल्ली में हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, उन्होंने हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को अरेस्ट करने की कोशिश की। तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और ये जो ऑफिस खुला है, मेरे को पूरा विश्वास है कि यहाँ से बहुत नेक काम होंगे, बहुत लोगों की मदद होगी, और यहाँ से हमारे असलम नगर सेवक चुन के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आगे देखो कि हमें ये नहीं पता कि सीट्स 236 है या 227 है। आज जो सियासत चल रही है, आज जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो इतनी गंदी, उतनी नीच लेवल पे गिर गई है कि फरवरी में जो होने वाले इलेक्शंस थे, उनका होने का आज तक नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। खरीद फरोख्त चल रही है MLAs की, नगर सेवक की। ऐसे माहौल में जब हम जनता के पास जाते हैं तो जनता बोलते हैं, हाँ हमें केजरीवाल चाहिए, हाँ हमें केजरीवाल के लोग चाहिए, क्योंकि ये ईमानदार हैं और क्योंकि ये काम करते हैं। आज मुंबई को काम की राजनीति की ज़रूरत है, उन्होंने पन्नास खोखे वाली राजनीति देख ली। तो इसीलिए BMC इलेक्शन में मुझे पूरा यकीन है आम आदमी पार्टी विजयी होगी। आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से BMC का चुनाव लड़ने जा रही है। सारे 227 सीटों पे BMC का उम्मीदवार होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पंजाब के पहले लोग सोचते थे कि अरे आम आदमी पार्टी आएगी कि क्या होगा, लेकिन पंजाब के बाद पूरे देश में एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बन गया है और लोगों ने अपना मन बना लिया है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। ये हम गुजरात में देख रहे हैं, हम हिमाचल में देख रहे हैं, और यही चीज़ हमें BMC में देखने को मिलेगी। यहाँ मदनपुरा वार्ड नंबर 220 से असलम मर्चेंट भाई मेरे भाई हैं, और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय का आज यहाँ पे उद्घाटन किया, और वो पहले भी जनता की सेवा करते आए हैं। मैंने इनका काम कोविड के दौरान देखा, चाहे ज़रूरतमंद को खाना खिलाना हो या कोई BMC रिलेटेड काम या कोई अस्पताल से रिलेटेड काम, तो हमेशा ये सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेकर के अभी ये आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, और ज़ोर शोर से यहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीट निकालेंगे। मेरा नाम रूबिन मास्करिनस है, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी मुंबई का, और राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। थैंक यू। आप सब देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि 2 महीने पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। आप सभी अखिलियत के लोग हैं। लोगों की खिदमत में सॉल पेश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये लोग आज खुशियों में उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वर्किंग कैबिनेट में बहुत खुश हम भी को
तिवारी जी की खिदमत में हमारे सेकंड वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे मुंबई के जॉइंट सेक्रेटरी है डॉक्टर साहब महेश जोशी साहब की खिदमत में शॉल का नजरा हमारे ऑब्जर्वर है साउथ मुंबई के बहुत ही हरदिल अजीज सर फोटो ले जयवंत सिंह साहब का रिक्वेस्ट है कि स्टेज से बाहर आए उनके वाहिद भाई आप जान रही हो स्टेज के पास आए बहुत अच्छे इमरान सुपारी वाले साहब आप जानते हैं स्टेज पे आए रुखसाना हुसैन मैम से रिक्वेस्ट है कि उनको शॉल पेश करें।